شرقات الأرض بنور ربها وقضي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैर से? शुक्र है सर। ये आपकी गाड़ी है? जाफर एक्सप्रेस है जी सर। जाफर ठीक है, बैठो चाय खिदमत कर। शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सी ट्रेन? 39। ठीक है, जाफर एक्सप्रेस में। ठीक, मैं समझ गया हूँ। 9 बजे में इंशाल्लाह राइट टाइम आऊँगा, बेफिक्र हो जाए, पहुँचता हूँ मैं। बेफिक्र हैं, बेफिक्र हैं, बाकी सब ठीक है, शुक्र, थैंक यू। परेशानी का आलम है, आपके पास आ रहा हूँ। आप आ रहे हो? नहीं,
करना चाहिए। क्या आपके सीट भी है नहीं सर? वहाँ पे 52-53 लास्ट है। ये चमड़ पी है ना सर? आप हेलो सर, आप ये हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमारा ड्राइवर इस तरह नहीं बनता, किसी के सिखाने से नहीं बनता। हमारा ड्राइवर एक बाकायदा प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड एजुकेशन चाहिए हमें, उस रिक्वायर्ड एजुकेशन पर हम असिस्टेंट ड्राइवर अपॉइंट करते हैं, भर्ती करते हैं हमारा सिस्टम पाकिस्तान रेलवे। उसके बाद जब वो हमारे मेयार पे वो बंदा पूरा उतर जाए, फिर हम उसको अपॉइंटमेंट करने के बाद वाल्टन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा वहाँ भेजते हैं, अकेडमी है वहाँ, वो एक साल की ट्रेनिंग हासिल करता है। रेलवे का रूल रेगुलेशन जो ट्रेन से रिलेटेड होते हैं, इंजन से मुतल्लक जो चीज़ें होती हैं सारी वो चीज़ें वो उनकी ट्रेनिंग हासिल करता है। उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग भी हासिल करता है और उसके बाद फिर फील्ड में आके भी देखता है कि ट्रेन कैसे चलती है, इंजन कैसे एग्जामिन होता है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। उसके बाद साल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद हम उसको असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं और उसके बाद उसको तकरीबन 2 साल तक शेंडिंग पर, गुड्स पर, इधर लाजमी चलाते हैं। उसके बाद फिर उसको जो है जब हम देखते हैं कि अभी ये कॉम्पिटेंट है तो फिर हम उसको कहते हैं कि अब मेल एक्सप्रेस पे भी हम बुक कर सकते हैं। तो हमारा असिस्टेंट जो है उसके बाद फिर ये उसकी ये ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो असिस्टेंट तो बन गया है, लेकिन हमें फॉर फ्यूचर वो असिस्टेंट जो है ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर जो है, जो ड्राइवर बन चुका है वो अपनी उसकी जो है तरबियत कर रहा है फ्यूचर के मुस्तकबिल के ड्राइवर की, सिखा रहा होता है और वो असिस्टेंट सीख रहा होता है। एक बहुत बड़ा दुरानियाँ गुजारने के बाद जो सीखता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर भी हम उसको ड्राइवर नहीं बनाते।
फिर हम उसको ड्राइवर से कम डिप्टी ड्राइवर बनाते हैं ताकि वो सिर्फ स्टेशन के हदूद में डब्बों का शंट करे, ट्रेन को आगे करे, पीछे करे, ताकि उसको पता चले कि मैंने ट्रेन कैसे चलानी है, कैसे रोकनी है। उसके बाद फिर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं वाल्टन वाल्टन अकेडमी में कि वो जाए फिर सीखे, ड्राइवर की ट्रेनिंग करे, मज़ीद मालूमात, मज़ीद नॉलेज हासिल करे। उसके बाद वाल्टन से जब ट्रेनिंग करके आता है उसके बाद फिर हम उसको जो है ड्राइवर बनाते हैं। फिर वो 8000 किलोमीटर इस तरह ही गाड़ी चलाता रहता है बगैर ड्यूटी के, 8000 किलोमीटर में फिर वो ट्रेनिंग हासिल करता है। उसके बाद फिर हमारे जो सिस्टम है, हमारे ऑफिस अफसरान जो हैं, बिल्कुल बिलखसूस हमारे जो मैकेनिकल के ऑफिसर हैं, DME डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर, वो टेस्ट लेते हैं कि ये मेरा ड्राइवर मैकेनिकली और ऑपरेशनल ऑपरेटिंग के जो मामलात हैं इनको समझता है। टेस्ट लेने के बाद वो सर्टिफिकेट जारी करता है कि हाँ मैंने इसको टेस्ट किया है, इसका नॉलेज टेस्ट किया है, ये ड्राइवर अब ड्राइवर ड्यूटी के लिए मैंने फिट कर दिया है। फिर वो गुड्स ट्रेन के लिए उसको हम फिट करते हैं। तकरीबन 5 साल गुड्स ट्रेन चलाने के बाद फिर उसको हम मेल एक्सप्रेस के लिए जब अलाउ करते हैं तो फिर दोबारा टेस्ट लेते हैं कॉम्पिटेंसी के, इस मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के काबिल है या नहीं है, दोबारा फिर वही प्रोसेस होता है। तो ड्राइवर बनाने तक, ड्राइवर बनने तक बहुत मरहल हैं। वो सारी चीज़ें डिपार्ट ने इसलिए की हुई हैं कि सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। की जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माल ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, उसका इंचार्ज गार्ड जो है ना वो उसका ज़िम्मेदार है, उनके हर किस्म की अच्छाई बुराई का। पीछे गार्ड साहब बैठे हैं, वो हर टाइमिंग टू स्टेशन टू स्टेशन टाइम उसने नोट करना है। एक टाइम हमें दिया जाता है, उस टाइम ना हम उससे नीचे ना उससे बढ़ के जाएंगे भी रूल की वायलेशन होगी, नीचे जाएंगे टाइम गिरेगा, टाइम लॉस होगा, उसका हमको जवाब देना होता है। तो वो गार्ड साहब जो पीछे बैठा होता है वो बैठा इसीलिए होता है कि उसने सब कुछ को वाच करना है, पूरी एक फिल्म स्टोरी है उसने अपने पास नोट करनी है, फिर अपने कंट्रोल को रिपीट करनी होती है। तो इस हिसाब से गार्ड जो होता है वो ट्रेन का इंतहाई ज़िम्मेदार किस्म का आदमी होता है हर लिहाज से, रेलवे की प्रॉपर्टी हो या अवामुन्नास हो या उनका साजो सामान, हर एक चीज़ को बखूबी स्टार्ट से लेकर अंजाम तक पहुंचाना ये उसकी जिम्मेदारी में आता है। ये कोलपुर और आबे गुम से कोलपुर, ये जो हमारा बीच का एक टुकड़ा है पाकिस्तान रेलवे का, ये दुनिया के मुश्किल तरीन रेलवे के रास्तों में से ये वो रास्ता और टुकड़ा है। ये यहाँ ड्राइवर साहब और गार्ड साहब को इंतहाई बी विजिलेंट बैठना पड़ता है। इसमें बहुत हमारे टेक्निकली रेलवे के हिसाब से बहुत इसमें इंस्ट्रक्शनें हैं। जैसे एक मैं और चीज़ वादे करता जाऊँ, जो पाकिस्तान रेलवे में ऑल ओवर इंजन चल रहे हैं ना, वो हमारे सिबी से कोटा नहीं चल सकते, इसलिए नहीं चल सकते। यहाँ ये हमारा बहुत, आपको मैं बता चुका हूँ कि मुश्किल सेक्शन है, इसके लिए इंजन भी एक स्पेशली आते हैं, उनमें एक स्पेशल ब्रेक लगी होती है जिसको डायनेमिक ब्रेक कहते हैं, वो बाकी पूरे पाकिस्तान में जितने इंजन चल रहे होते हैं उनके लिए नहीं, ये स्पेशल कोटा के लिए इंजन बनाए जाते हैं, उनमें ये ब्रेक लगाई जाती है।
वो फिर हम जब कोलपुर से आबे गुम की तरफ आ रहे हैं तो हमारी वो गाड़ी के रेलवे में तो उनको नाचेस कहा जाता है, आम पब्लिक जिस तरह गियर कहती है ना, गाड़ियों के गियर होते हैं रोड व्हीकल्स के, इसके तो वो हमारे नाचेस, एक इंजन के 8 नाचेस होते हैं। लेकिन जब हम कोलपुर से आबे गुम की तरफ आ रहे थे उस वक्त हमारे इंजन को वो कोई गियर कोई नाचेस नहीं लगा होता है, वो सिर्फ अपने प्रेशर से ही आ रहा होता है। उसके बरक्स वही डायनामिक ब्रेक लगी होती है जो उसको कंट्रोल करती जा रही होती है। जब कोलपुर से आबे गुम की तरफ डाउन में हम आ रहे होते हैं, हमारा इंजन ओनली स्टार्ट होता है खाली ब्रेक कंट्रोल करने के लिए, उसको कोई गियर कोई उसको नहीं लगाया जाता कि स्पीड पकड़े या इस तरह, बल्कि स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। हम किसी भी इंजन को या व्हीकल को जब तक उसका ट्रायल उसको टेस्ट ना कर लें लाइन पर सर्विस के लिए नहीं देते। तो ये जो नए इंजन जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो सिबी तक आते हैं, आगे कोयटा नहीं आते, कोयटा में इनको ट्रायल पर लाए थे और इनका 2 बार ट्रायल हुआ है। मुमकिन है कि इंजन इतने ज़्यादा ना हों कि हमें वो दें, कोयटा डिवीजन के लिए वर्किंग के लिए दें। मुमकिन है कि जो कमेटी आई थी उनकी तसल्ली ना हो कि हम इस सेक्शन पे ये इंजन दें, तो जब तक उनकी तसल्ली ना हो, क्योंकि सेफ्टी का मामला है, तो वो इंजन अलाउ नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो हमारे पास अब इंजन चल रहे हैं ये अच्छे इंजन हैं और इन्होंने अच्छा वर्क किया है और अभी तक इनकी लाइफ भी है, तो यकीनन जब इनकी लाइफ ख़त्म होने की आएगी तो हमें जदीद इंजन मिल जाएंगे। तो अभी हमारी ज़रूरत इनसे पूरी हो रही है। आम आदमी भी इसी तरह सोचा जैसे मैं सोचता था कि ड्राइवर जो है मैं ड्राइवर बनूंगा, ट्रेन चलाऊंगा, इस तरह करूंगा, ये करूंगा, तो ये शौक़ था, इसी शौक़ की बुनियाद में मैं भर्ती हुआ। उसके बाद जब इसकी डिफ़िकल्टीज देखी हैं, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम अपने घर से आ जाते हैं, हमें नहीं पता कि पीछे बच्चा कोई बीमार हुआ है, बच्चा स्कूल गया है, ज़िद कर रहा है, क्या हुआ है, कोई बीमार तो नहीं हो गया, कोई अजीज़ो कार में कोई फौजगी तो नहीं हुई, तो हम उनसे जो है सब कट जाते हैं, कट के रह जाते हैं। तो उन चीज़ों को जब देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यार ये ड्यूटी बहुत जो है सख्त है हमारे लिए, लेकिन क्यों कि अब हमारा रिस्क अल्लाह ताला ने इससे वाबस्ता रखा हुआ है। और फिर वही वाली बात है कि मुल्क और आवाम की खिदमत वाला जो जज्बा है, ये जैसे हमें विरासत में मिला है, अब उस जज्बे को लेकर हम चलते हैं, फिर हमें ये सब कुछ भूल जाता है। ईद त्यौहार है, हम अपनी ईदें भी बाहर कर रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ ईद भी नहीं कर रहे, तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ ईद करें, बच्चों की ख्वाहिश होती है, बड़ा ये होता है। लेकिन फिर हम उनको बच्चे कहते भी हैं कि बाबा आप ईद ना जाओ, तो हम कहते हैं बेटा ये लोगों को भी लेके जाना है। अब जिन लोगों को हम लेके जाते हैं उनमें फैमिलियाँ होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल के बाद जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बड़ी खुशी से अपने दादा नाना नानी के पास जा रहे होते हैं, तो उनकी जो खुशी है मेरे एक बंदे की खुशी से ज़्यादा अफजल।
का डाल रहा है ये। कितना साफ सुथरा रहना। इंजन में मशीन है ख़राबी हो जाती है, तो ख़राब होने की सूरत में भी हम अपने पूरी एफर्ट्स करते हैं, हमें ट्रेनिंग दी हुई है, हमें पूरे हम एफर्ट करते हैं कि उसको ठीक करो, करते भी हैं। हमारे 80-90% जो फेलियर हैं वो ड्राइवर के ठीक करने से ठीक होते हैं। नहीं, डिटेंशन हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ताखीर हो गई है तो कोई बात नहीं। तो हमें एक सबक के साथ ये भी दिया, स्लोगन दिया हुआ है कि डिटेंशन विल बी एक्सप्लेन बट नॉट एक्सीडेंट। तो हमें ताखीर हमारे लिए जो है अहम नहीं है, हमारे लिए लोगों की ज़िंदगियां अहम हैं, लोगों का अहम सफ़र जो है अपनी सेफ्टी से अपने जो है महफूज सफ़र उनका जो हमारे लिए अहम है, तो हम उनकी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते। लेकिन अवामोल्लास की शिकायतें होती हैं कि जी इंजन फेल हो गया, ड्राइवर ने किया। ड्राइवर नहीं करता, उसको पूछने वाले हैं, उसका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है, अगर जानबूझ के करेगा उससे पूछा जाएगा, ताखीर करेगा पूछा जाएगा। तो ये अवामोल्लास के थोड़े हमें भी गले हैं। और फिर दूसरा ये है कि अब हम इस ट्रैक पे ट्रेन चला रहे हैं, अब यकीन करें कि लोगों को, उनके माँ बाप को अपने बच्चों का फिक्र नहीं। अब यकीन करें, कभी हम आप हर साल देख रहे हैं तो बच्चे लाइन में खेल रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, विसल बजा रहे हैं कि ये बच्चा लाइन से निकल जाए, दुआ कर रहे हैं कि बच्चा बच जाए भाई, क्योंकि ट्रेन से एकदम नहीं रुकना। तो इतना माँ बाप को फिक्र नहीं होता जितना हमें होता है। लेकिन हमारी भी अवामोल्लास से दरख्वास्त है कि ड्राइवर से अच्छा तोको रखें, अच्छा कोऑपरेशन करें, और बिलखसूस जब ट्रेन आ रही हो या कहीं से गुजर रही हो, तो तमाम ऐसे लोग जो गाड़ी चला रहे हों या उस टाइम लोग जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, पैदल हैं, तो ड्राइवर को उस टेंशन से बचाएं कि उसको ट्रैक फ्री दें। हमारे लिए ट्रैक आज के दौर में ट्रैक फ्री फायर सर्विस नहीं रहा। तो ये हमारी मुश्किल में अहम है कि हम अवामोल्लास से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि भाई ट्रैक पर कम से कम ख़ुद भी एहतियात करें और हमें भी महफूज सफ़र के लिए जो है रास्ता दें। दो तीन अच्छे दोस्त।
फ्यूल का फार्म